Hello students, how are you? Today we are going to discuss the last subtopic of women, caste and reform. In this part we are going to study about the various organizations organizing for reform. So let's take the first Brahm Samaj, formed in 1830 and it was formed by Raja Ram Mohan Roy. Brahm Samaj means the society of God. It prohibited all forms of idolatry and sacrifices. Idolatry means the murti puja. क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा वॉज वेरी कॉमन, तो उसके अगेंस्ट थे. एंड सेक्रीफाइजेस, जो बेचारे बेजुबान प्राणियों के बलि दे दिया करते थे उसके अगेंस्ट में थे. एंड दिस ब्रह्म समाज, इनिशियली इट वॉज नोन एज ब्रह्म सभा और धीरे धीरे बाद में इसको ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगे. एंड इट वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया. इसको फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट बोला जाता है इंडिया में. एंड दे बिलीव्स इन उपनिषद्स. उपनिषद्स हमारे जो पहले थे उपनिषद्स और वेद, तो वेदों से ज़्यादा ये उपनिषद्स में बिलीव करते थे. एंड फॉरबेड इट्स मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और दूसरे रिलीजन की बुराई करने से वो मना करते थे कि किसी भी रिलीजन की बुराई नहीं करनी है. एंड दे क्रिटिकली ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ रिलीजन लुकिंग एट देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायमेंशंस. इट मीन्स वो ये मानते थे कि हर धर्म में अच्छाई और बुराई होती है, किसी की बुराई नहीं करिए, अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है, उसको ले लीजिए, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छोड़ दीजिए, किसी की बुराई नहीं करनी है. और इन्होंने जो वर्क किया रिफॉर्मेशन ऑफ कास्ट एंड वीमेन के लिए, जो बहुत सारी हमारे सोशल इविल्स थे, सती एंड चाइल्ड मैरिज, उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई. और ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में केशव चंद्र सेन, एक सेकंड लीडर रिफॉर्मर आते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया. एंड उसको एक पूरी इंडिया में स्प्रेड करने का काम केशव चंद्र सेन का था. लेकिन बाद में इनकी कथनी और करनी में अंतर हो गई, क्योंकि ये वैसे तो बोलते थे कि हमें चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बोलते थे, और अपनी बेटी की शादी इन्होंने बहुत जल्दी कर दी थी, इस वजह से लोग इसके अगेंस्ट हो गए और ये ब्रह्म समाज कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्म समाज. नाउ द सेकेंड, डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हेनरी लुइस विवान डेरोजियो एंड ही वॉज एंग्लो इंडियन. एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, ये एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, जिसके पेरेंट्स इंडियन नहीं हैं. तो ये डेरोजियो के जो पेरेंट्स थे, फादर थे वो पोर्चुगीज थे और मदर जो थी वो इंग्लिश लेडी थी, लेकिन इनका जन्म कैलकटा में हुआ था इंडिया में. दैट्स वाई ही वॉज नोन एज एंग्लो इंडियन. एंड ही वॉज टीचर एट हिंदू कॉलेज, कैलकटा हिंदू कॉलेज में टीचर थे. एंड ही एनकरेज हिज pupils to question all authorities. अपने students को encourage किया करते थे कि जो भी आप गलत चीज़ देखें उसके लिए question raise करें for the authority. ठीक है? तो his students attacked tradition and customs. जो tradition customs में social evils से हमारे, उनके against उन्होंने आवाज़ उठाई. Women's education, campaigning for freedom of thought and expression. और एक्सप्रेशन और थॉट्स की फ्रीडम के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई. और जब डेरोजियो ने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें सारे यंग बच्चे थे. बट अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों से ही क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, उनकी अगेंस्ट बोल रहे थे, तो उसकी वजह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़राब हुए कि डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से जो था निकालवा दिया गया. एंड एट द एज ऑफ 22 ही डाइड बिकॉज ऑफ कॉलरा. दिस इज ऑल अबाउट द डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट. थर्ड, द रामकृष्णा मिशन एंड स्वामी विवेकानंद. दिस जो ये जो मिशन था, नेम्ड आफ्टर रामकृष्णा परमहंसा. रामकृष्ण परमहंसा के नाम पे ये मिशन है. और ये रामकृष्ण परमहंसा गुरु थे विवेकानंद जी के.
They stress the ideas of salvation through social services and selfless actions. इनका ये इस मिशन के लोगों का मानना था कि अगर हमें सेल्वेशन, सेल्वेशन मीन्स मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो किससे हमें मिल सकती है? सोशल सर्विसेज एंड सेल्फलेस एक्शंस के हमें, ये हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है. स्वामी विवेकानंद कंबाइंड द सिंपल टीचिंग ऑफ श्री रामकृष्णा विद हिज वेल फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन्होंने रामकृष्ण की जो टीचिंग थी उसमें अपने मॉडर्न आउटलुक व्यूज को जोड़ के सारे संसार में मैसेज स्प्रेड किया. क्लियर? एंड फाउंडेड मॉडर्न आउटलुक एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही री एस्टैब्लिश द वेदा फिलोसफी, जो वेदा फिलोसफी थी हमारी उसको री एस्टैब्लिश किया ऑन ग्लोबल स्केल. बिलीव दैट एनी रिफॉर्म कुड बी सक्सेसफुल ओनली बाय अपलिफ्टिंग द मासेस. रिफॉर्म हमारा तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब अपलिफ्ट करेंगे हम पूरी जनता को या जो मासेस है, जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसका अपलिफ्ट करेंगे. तभी रिफॉर्मेशन हो सकता है जब उनकी कंडीशन अपलिफ्ट होगी. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट, द प्रार्थना समाज. प्रार्थना, प्रार्थना मीन्स द प्रेयर, प्रेयर समाज भी इसको कह सकते हैं. दे बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग. उनको लगता था कि हम स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करके सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म ला सकते हैं. एंड इट्स दिस समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आत्माराम पांडुरंग. आत्माराम पांडुरंग ने इसको एस्टैब्लिश किया इन 1867 एट बॉम्बे. बॉम्बे में 1867 में ये समाज स्टैब्लिश किया. इसमें बहुत सारे लोग थे. एक तो ये आत्माराम पांडुरंग, दादाभाई पांडुरंग जो इनके ब्रदर थे, केशव चंद्र सेन जिन्होंने इसमें ब्रह्म समाज में अपना योगदान दिया, और महादेव गोविंद रानाडे. इन्होंने स्प्रेड करने में इस ब्रह्म प्रार्थना समाज को अपना बहुत योगदान दिया. And this समाज sought to remove caste restriction. Caste restriction उसके reformation के लिए बहुत काम किया. And abolish child marriage. Child marriage उस समय बहुत popular, famous, common थी, उसके लिए work किया. And end the ban on widow remarriage. Widow remarriage पे एक ban लगा दिया गया था, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी प्रार्थना समाज ने बहुत काम किया. Clear? Now the Veda समाज. The Veda समाज inspired by ब्रह्म समाज. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ब्रह्म समाज first reform movement था जो इंडिया में स्टार्ट हुआ, उससे inspired होके the Veda समाज establish किया गया in South India. South India में establish किया गया. Work to abolish all social evils. सारे social evils जितने भी थे उनको abolish करने के लिए start किया गया. और इसको स्टार्ट करने का जो क्रेडिट दिया जाता है, कोई कोई हिस्टोरियंस कहते हैं कि केशव चंद्र सेन ने इसको एस्टैब्लिश किया, लेकिन इसका है श्रीधर रामुलु. उन्होंने इस वेदा समाज को स्टार्ट किया, बट ही वाज इंस्पायर्ड बाय केशव चंद्र सेन. उनसे कलकत्ता में मिलके आए वो, और उन्होंने कहा कि इस तरह का समाज हम साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं जिससे हमारी सोसाइटी का रिफॉर्मेशन हो सके. दे कंडेम द सुपरस्टिशन एंड रिचुअल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म. वो हमारे जो अंधविश्वास और जो सोशल इवल्स थे उनको एबॉलिश करने के लिए वेदा समाज ने काम किया. क्लियर? नाउ द अलीगढ़ मूवमेंट. अलीगढ़ मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान ने ये मूवमेंट लॉन्च किया. लेकिन इससे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी दे वर वेरी लॉयल टू ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के बहुत लॉयल थी, और इन्होंने ये भी कहा था कि हमें जो अपना जो कोऑपरेशन है वो ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स को देना चाहिए. तो लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं फिर सर सैयद अहमद खान को? क्योंकि इनका जो दूसरा साइड हम देखेंगे तो वो था सोशल रिफॉर्मेशन का. क्लियर? इस वजह से हम उनको पढ़ रहे हैं. ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़.
ये कॉलेज उन्होंने स्टैब्लिश किया अलीगढ़ में, जिसको अब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं. एंड ही प्रमोटेड वीमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, क्योंकि उस समय जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी थी बड़ी कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स मानी जाती थी. नॉट ओनली द मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी में भी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, बट यहाँ पे बहुत सारे सोशल इवेंट्स थे लाइक पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी एंड द मुस्लिम सिस्टम ऑफ इजी डिवोर्स. तो इसमें भी उन्होंने अटैक किया कि ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए. बेगम्स ऑफ भोपाल का भी पढ़ा था हमने चैप्टर में, कि उन्होंने भी गर्ल्स, मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया अलीगढ़ में. तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग वेस्टर्न साइंस टू मुस्लिम. तो सर सैयद अहमद खान का था, अगर हमें अपलिफ्टमेंट चाहिए इन द मुस्लिम कम्युनिटी तो हमें उनको एजुकेट करना पड़ेगा और वेस्टर्न एजुकेशन देनी पड़ेगी, तभी उनमें रिफॉर्मेशन पॉसिबल है. क्लियर. उसके बाद आता है द सिंह सभा मूवमेंट. यहाँ पे ये मुस्लिम कम्युनिटी के लेके था, यहाँ पे ये सिख कम्युनिटी को लेके सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट किया गया. एंड सिंह सभा वो फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873 एंड एट लाहौर इन 1879. यहाँ पे सिंह सभा मूवमेंट शुरू हुआ. इट सॉट टू रेड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशन. जो सिख कम्युनिटी थी वो जो अंधविश्वासों में जकड़ी हुई थी उससे उनको छुटकारा दिलवाने के लिए ये सब मूवमेंट स्टार्ट किया. कास्ट डिस्टिंक्शन जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी वो भी इन्होंने एबॉलिश करने की कोशिश की. दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग सिख्स. सिख्स में एजुकेशन स्प्रेड करने का काम किया, स्पेशली वीमेंस के लिए भी. देयर एम वॉज टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन एंड फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड. भाईचारे की आपस में एक फीलिंग डेवलप करने का काम किया और एक खालसा सेक्ट बनाया. खालसा सेक्ट क्यों बना था? आपको याद होगा जो हमारे मुस्लिम रूलर्स थे, जब मुगल एम्पायर आया स्पेशली औरंगजेब के टाइम में, वो कन्वर्ट करने लग गए इंडियंस को मुस्लिम्स में. तो वो चीज़ इनको सिख समुदाय को समझ में नहीं आई. उन्होंने बचाने के लिए अपने आप को एक वॉरियर सेक्ट बनाया जिसका नाम था खालसा. इस वाले मूवमेंट में एक चीज़ खास थी कि वो जो अपने कस्टम और ट्रेडिशन थे उनको लेकर रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, जो उनका एक ट्रेडिशन और कस्टम था फाइव केस, कच्छ, कड़ा, किरपाण, केश और कंघी, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और इसके साथ साथ रिफॉर्म करने की कोशिश की. ठीक है, स्टैब्लिश खालसा सिंह सभाज स्टैब्लिश खालसा स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल ओवर पंजाब एंड प्रमोटेड पंजाबी लैंग्वेज एंड लिटरेचर. अपना पंजाबी लैंग्वेज और लिटरेचर को उन्होंने छोड़ा नहीं, इसके साथ साथ अपनी कास्ट में रिफॉर्मेशन के लिए काम करते रहे. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म्स. क्लियर, समझ में आया होगा, क्योंकि सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं. इस वाले पार्ट में हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा जो डेवलप की गई रिफॉर्मेशन के लिए. सो दीज आर, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन आपकी बुक में यही है बेटा, तो हम अभी इतनी कवर करेंगे. अगर आपको समझ में आया है, नाउ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.